शुभकामनाएं। और आज तो डीलिंग रूम में भी गुड़ी पारवा का एकदम गुड फैक्टर जो है वो ओवररूल कर रहा होगा। किस तरह के सौदे देख रही हैं, सोमवार की तैयारी, आज का क्या मूड है? शुक्रिया प्रियंका, आपको भी गुड़ी पड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आनंद राठी के डीलिंग रूम में हमें सिद्धार्थ सिदानी हमारे साथ मौजूद है और ये भी गुड़ी पड़वा मूड में है। और स्ट्रेंथ यहाँ पे लिखा है सिद्धार्थ, गुड़ी पड़वा का मौका है, पहले तो आपको शुभकामनाएं। तो ये बताइए, ट्रेडर और इन्वेस्टर को तो स्ट्रेंथ तब मिलती है जब उसकी कमाई अच्छी हो, तो आज इस मौके पर सबसे पहले तो एक स्टॉक बता दीजिए। देखिए, गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं सभी को। और स्टॉक के हिसाब से अगर कहा जाए तो हमें लगता है कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस, एक NBFC स्पेस का दिग्गज, हमें लगता है बजाज फाइनेंस में बहुत अच्छा रुझान रहेगा और नतीजे भी बहुत अच्छे आएंगे। एक साल में 70-80% ऑलरेडी चल चुका है, अभी भी लेना है इस भाव पे? क्योंकि मार्केट में चीज उसी को करते हैं जिसमें ग्रोथ है, और हम मानते हैं कि बजाज फाइनेंस में अभी भी ग्रोथ है और आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ रहेगी, तो बजाज फाइनेंस लेके चलना चाहिए लंबे समय के लिए। अच्छा, एक चीज और बताइए, पिछले एक महीने में जितनी भी रिपोर्ट्स आपकी आई होंगी वो तो टारगेट हासिल हो गए होंगे सबके? बिल्कुल, टारगेट हासिल हुए हैं। और हम एज आनंद राठी रिसर्च हम जो करते हैं, हमें लार्ज कैप मिड कैप दोनों का रुझान बहुत अच्छा रखते हैं, और हमें लगता है कि लार्ज कैप बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये जो समय है अप्रैल का महीना और आने वाले दो महीने के लिए, मिड कैप शानदार परफॉर्म करेंगे, मतलब मिड कैप सब लेने लायक हो गए। इंडेक्स तो अभी भी 6-7% नीचे है अपने हाई से, तो कुछ चुनिंदा स्टॉक मिड कैप से? मिड कैप में एक स्टॉक है, वो है दीपक नाइट्राइट, स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है। और सबसे बड़ी चीज कि फिनॉल और एसीटोन जो नया केमिकल वो बना रहे हैं, इनसे बहुत बड़ा रेवेन्यू जंप आएगा, करीबन डबल हो जाएगा। तो हमें लगता है कि ये फाइनेंशियल ईयर में दीपक नाइट्राइट 345 के लक्ष्य से बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, हमारे साथ ना दो डीलर डेस्क के हेड भी हैं, उनसे क्विकली एक बात कर लेते हैं। सत्येंद्र हमारे साथ हैं और साथ ही हेमल हैं। सत्येंद्र जी, पहले आप बताइए, ये अभी मूड कैसा लग रहा है? आप तो चेक लेते रहते होंगे अपनी टीम से, मतलब अभी भी वो तेजी के सौदे की बात करते हैं, ट्रेडर्स खरीदारी का ही मूड है क्योंकि RBI पॉलिसी निकल चुकी है, अब इलेक्शन और रिजल्ट्स पे पूरा फोकस टिका हुआ है। यस, मूड तो काफ़ी चेंज हो गया, बाजार में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि यस्टरडे RBI गवर्नर ने ऑलरेडी 25 पैसा ऑलरेडी कम किया है, और अगेन देर इज अ रूम फॉर फर्दर 25 पैसा, और डेफिनेटली मोदी जी के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो बाजार में इम्प्रूवमेंट तो सेंटिमेंट्स तो काफ़ी अच्छे हो गए हैं। एंड एज फार एज मिड कैप सेगमेंट में भी थोड़ा वाइब्रेशन चालू हो गया है, और ये वाइब्रेशन और इंक्रीज होएगा तो डेफिनेटली और सेंटिमेंट्स काफी अच्छे हो जाएंगे, रिटेल पार्टिसिपेशन विल गोइंग टू इंक्रीज। आपका तो एक महीना काफी अच्छा रहा होगा, मार्केट जोरदार चला है, कमाई अच्छी हुई होगी? बहुत ही अच्छी हुई है, लास्ट मैं तो बल्कि लास्ट मंथ लास्ट क्वार्टर बहुत ही अच्छा गया, हम लोग ने 130% ग्रोथ अचीव किया है, तो बहुत ही अच्छा रहा है बिकॉज ऑफ दिस मार्केट सेंटिमेंट, जैसे आपने बोला, इन्होंने बोला और सिद्धार्थ सर भी, मतलब हम लोग का कॉल जो आते रहते उस हिसाब से, प्लस रिटेल पार्टिसिपेशन जो बढ़ा है उसके हिसाब से हम लोग ने 130% ग्रोथ अचीवमेंट। ये ग्रोथ बरकरार रहने की संभावना है? बहुत ही ज्यादा संभावना है, बिकॉज इलेक्शंस जो है, जैसे सत्येंद्र जी ने कहा कि मोदी जी के चांसेस ज्यादा है, प्लस FII का पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा है लास्ट 3 महीने में, तो उसके लिए भी वो भी एक फैक्टर है जो मार्केट को सेंटिमेंट्स को पॉजिटिव रखा है। ठीक है, तो मूड अच्छा है रिटेल इन्वेस्टर का, और अच्छा बिजनेस हुआ है पिछले एक महीने में, और सिद्धार्थ ने तो इनफैक्ट गुड़ी पड़वा के मौके पर बेहतरीन स्टॉक्स भी बता दिए जहां पर आप निवेश कर सकते हैं, बजाज फाइनेंस की बात की है, दीपक नाइट्राइट की बात की है, तो गुड़ी पड़वा का मौका हो या फिर कोई भी दिन हो, अभी तो मूड अच्छा ही है। बिल्कुल, और कह रहे थे अच्छी कमाई भी हो रही है, थैंक यू सो मच दीपाली जी। हाँ, पिछला महीना भी शानदार रहा और उम्मीद है कि अब ये पूरा साल भी शानदार रहेगा। दीपाली डीलिंग रूम चेक में बता रही थी कि वहां पर आप बीट मूड